और माननीय सावित्री बाई फूले को आमंत्रित करता हूँ कि आप आए और आए हुए हमारे जो बोलने से पहले हम चाहेंगे कि एक बार आप सब लोग दोनों हाथ उठाकर जोर से नारा बोलेंगे, जिससे हमारे महापुरुषों का सम्मान होगा, हमारा आपका उत्साह बढ़ेगा। इसलिए हम चाहेंगे एक बार अपने महापुरुषों के नाम से आप सब लोग जोर से नारा बोलेंगे। बोलिए, तथागत गौतम बुद्ध जी की करुणा हो, तथागत गौतम बुद्ध जी की करुणा हो, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अमर रहे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा जी का मिशन अधूरा, बाबा जी का मिशन अधूरा। मानवर कांसीराम साहब अमर रहे, मानवर कांसीराम साहब अमर रहे, मानवर कांसीराम साहब का मिशन अधूरा। आज ऑल इंडिया SC ST रेलवे एम्प्लाइज एसोसिएशन की तरफ से सांसद सदस्यों के आज अनुसूचित जनजात पर सांसद बुलाई गई। आज के इस कार्यक्रम के आयोजक एसोसिएशन के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय माननीय BL बरौआ जी, राष्ट्रीय महासचिव माननीय अशोक कुमार जी, हमारे मंच पर उपस्थित सम्मानित सांसदगण, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित भाइयों, इस कार्यक्रम में अपना मूल समय निकाल कर या उपस्थित सभी हमारे पितात्र बुजुर्गों, माताओं बहनों भाइयों, आप सबका मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन आप सबके चरणों में शीश झुकाकर प्रणाम करती हूँ और आप सबको जय भीम नमो बुद्धाय कहती हूँ। भाइयों बहनों, आज भी मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारे राष्ट्रीय महासचिव माननीय अशोक कुमार जी ने मुझे आपके इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया और मुझे आपने बुलाया, बताया कि मैं दलित संसद बुला रहा हूँ और उस बैठक में आपको जरूर आना है। मुझे बड़ा हर्ष हुआ कि कम से कम हम सभी दलित सांसद एवं दलित सभी अपने समाज के लोग इकट्ठा होकर हम आपस में चर्चा करेंगे। मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि इस कार्यक्रम में अपना मूल समय निकाल करके आप सब लोग आए। भाइयों बहनों, मैं बता देना चाहती हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अगर भारत के संविधान में आरक्षण की व्यवस्था नहीं दी होती और बहराइच लोकसभा सीट अगर सुरक्षित नहीं होती आरक्षण के तहत, तो ना मुझे कोई टिकट देता और ना मैं सांसद बनकर के आपके बीच में नहीं आ पाता। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत के संविधान में आरक्षण के तहत अनुसूचित जात और जनजातियों के लिए जो सीटें आरक्षित की थी, वो इसलिए सीटें आरक्षित की थी कि उस सीट पर, उस सुरक्षित सीट पर चाहे जिस दल से, चाहे जिस पार्टी से व्यक्ति अनुसूचित जात जनजाति का जीत कर आएगा, तो लोकसभा में पहुंचकर भारत के संविधान की रक्षा करेगा, भारत के संविधान की सुरक्षा करेगा, आरक्षण को बचाने का काम करेगा और आरक्षण संविधान को पूरी तरीके से लागू कराने का काम करेगा। भाइयों बहनों, आज ये जिम्मेदारी भी हमारी है। आज हमारी जिम्मेदारी है कि भारत के संविधान के साथ, आरक्षण के साथ किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ ना हो। आप लोग टीवी रेडियो पार के माध्यम से पढ़ने को, सुनने को, देखने को मिलता होगा कि कभी कहा जा रहा है कि हम भारत के संविधान को बदलने के लिए आए, कभी कहा जा रहा है
कि हम भारत की संविधान की समीक्षा करेंगे, कभी कहा जा रहा है कि हम आरक्षण को समाप्त करेंगे, और कभी कहा जा रहा है कि भारत के संविधान आरक्षण को हम ऐसा बना देंगे कि न रहना रहना बराबर होगा। ये क्या है, ये भारत के संविधान के साथ इस तरीके से शब्दों का प्रयोग, ये पूरे देश के बहुजन समाज के लोगों के साथ उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इस देश के बहुजन समाज का अधिकार छिन जाएगा तो हमारे देश के बहुजन समाज का अधिकार खत्म हो जाएगा, और हमारे देश के बहुजन समाज का अधिकार तभी सुरक्षित रहेगा जब भारत का संविधान सुरक्षित रहेगा और भारत का आरक्षण सुरक्षित रहेगा। भाइयों बहनों, आज भारत के संविधान में जो दी गई व्यवस्था को आज तक लागू नहीं किया गया, जब से भारत का संविधान लागू हुआ तब से लेकर आज तक भारत के संविधान की मूल भावना क्या है, और भारत के संविधान आज तक लागू नहीं किया गया। भारत का संविधान दुनिया के संविधान से सबसे बढ़िया संविधान अगर कहीं का है तो वो भारत का संविधान है, और भारत का संविधान अगर पूरी तरीके से लागू कर दिया जाए तो भारत में चिराग उठा करके भी आप गरीबी ढूंढोगे, भारत में गरीबी नहीं पाओगे, इतना बढ़िया भारत का संविधान है। लेकिन भारत का संविधान इसीलिए आज तक लागू नहीं किया गया कि अगर भारत का संविधान हम पूरी तरीके से लागू कर देंगे, आरक्षण का कोटा अगर हम पूरा कर देंगे, तो देश का बहुजन समाज जिसकी देश में 85% उनकी संख्या है, वो 85% बहुजन समाज बहुत आगे चला जाएगा, और जब बहुजन समाज आगे चला जाएगा तो उनकी गुलामी कौन करेगा। इसलिए गंदी मानसिकता के लोग आज तक भारत के संविधान को, संविधान लागू होने से लेकर संविधान को आज तक लागू ही नहीं किया, और संविधान समता स्वतंत्रता बंधुत्व न्याय के आधार पर हमारा भारत का संविधान है, जिसमें चाहे वो जिस जाति के हो, चाहे जिस संप्रदाय के हो, चाहे जिस धर्म के हो, सभी धर्मों की सुरक्षा की गारंटी उस भारत के संविधान में है। अगर भारत के संविधान कहीं छेड़छाड़ हुआ तो कहां जाएगा बौद्ध समाज, बौद्ध कहां जाएंगे, पारसी कहां जाएंगे, सिख कहां जाएंगे, जैन, हमारे देश में तमाम धर्म के लोग निवास करते हैं, वो कहां जाएंगे। ये हमारा भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष संविधान है, हमारा भारत धर्मनिरपेक्ष भारत है, और धर्मनिरपेक्ष भारत को छेड़छाड़ करने की साजिश आप लोगों को सुनने को देखने को पढ़ने को मिलता होगा। भाइयों बहनों, मैं तो बहुत दुखी हूँ, मैं भी दुखी हूँ, इसलिए दुखी हूँ कि अगर भारत के संविधान को लेकर अगर पूरे देश के बहुजन उठकर खड़ा नहीं हुआ और अपने अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ा, तो संविधान को लोग ऐसा बनाना चाहते हैं कि जैसे चूहा दूर की मिट्टी खोदते खोदते और नीचे की मिट्टी खोद करके निकाल लेता है और ऊपर की सतह छोड़ देता है, और जब दूर से आदमी देखता है कि तो बराबर जमीन है, लेकिन जब पांव पड़ता है तो जब पांव धंसता है तब पता चलता है यहां तो चूहा खुदा हुआ था, यहां तो नीचे है ही नहीं कुछ। ठीक उसी तरीके से हमारे संविधान के साथ छेड़छाड़, संविधान को लागू न हो, आरक्षण लागू न हो, इसके लिए आज तक आखिर क्या कारण है कि नहीं लागू हुआ। संविधान में जो आरक्षण की व्यवस्था अनुसूचित जात जनजाति पिछड़ी जातियों के लिए 27% आरक्षण सुप्रीम कोर्ट ने पिछड़ी जाति को दिया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद पिछड़ी जाति के लोगों को मात्र 5% आरक्षण का लाभ मिला, 22% आरक्षण का लाभ आज तक पिछड़ी जाति को नहीं दिया गया। यही स्थिति अनुसूचित जाति की है, अनुसूचित जाति का आरक्षण 22.5% है, लेकिन मिल कितना रहा है, क्या पूरी तरीके से लागू हो गया है, क्या आज तक पूरी तरीके से लागू हो गया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कार्यपालिका
विधायिका और न्यायपालिका में सभी जगह आरक्षण का कोटा उन्होंने दिया था, लेकिन क्या कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में क्या अनुसूचित जात, जनजात, पिछड़ी जात और महिलाओं का कोटा क्या पूरा हो गया? आज तक पूरा नहीं कराया गया, आज तक पूरा नहीं कराया गया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी विभाग बनाए थे और विभाग में आरक्षण की व्यवस्था दिया था और उस विभागों में भी आज तक वैकेंसियां खाली पड़ी हैं, आज तक खाली पड़ी है, आज तक कोटा पूरा तक कराया, कोटा भी नहीं पूरा कराया गया। हमारे अनुसूचित जात, जनजात, महिलाएं नौकरी के लिए दर दर के भटक रहे हैं, लोगों के लोग नौकरी के लिए परेशान हैं, लोगों के पास जमीन नहीं है, लोगों के पास घर नहीं है, लोगों के पास परिवार को चलाने के लिए अनुसूचित जात जनजातियों के साथ जो हो रहा है आप लोग को टीवी रेडियो पार्क के माध्यम से देखने को सुनने को पढ़ने को मिलता होगा कि झुग्गी झोपड़ी डालकर नदी के किनारे, रेलवे लाइन के किनारे, रोड के किनारे, पहाड़ के किनारे, तालाब के किनारे, जंगल के किनारे अपनी झुग्गी डालकर मजदूरी करके, प्लास्टिक बिन करके, सर पर मैला ढो करके, मरे जानवर का चमड़ा छील करके, दूसरे के गुलामी करके अपनी दो जून की रोटी चलाने के लिए हमारा अनुसूचित जात दर दर के ठोकर खा रहा है। आज भी हमारे अनुसूचित जाति के लोगों को पूरी तरीके से अधिकार, न्याय, सम्मान, सुरक्षा नहीं मिला। हमारे अनुसूचित जातियों के लिए जो कानून बनाई गई थी, जो कानून बनाया गया था कि अनुसूचित जात जनजाति के साथ जो अन्याय करेगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, जब यह कानून नहीं बनाया गया था उस कानून के पहले हमारे अनुसूचित जात जनजाति महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार होते थे, सामूहिक हत्याएं होती थी, सामूहिक गांव के गांव फूंक दिए जाते थे, उनके साथ शोषण होता था, कोई सुनने वाला नहीं होता था। भाइयों बहनों उस समय लोकसभा में अनुसूचित जात और जनजाति के लिए एक कानून बनाई गई और उस कानून के तहत लोगों को पाबंद किया गया कि अनुसूचित जाति के साथ यदि कोई अन्याय करता है तो इस कानून के दायरे में लाकर उसको दंडित किया जाएगा, उसको जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाएगा, यह कानून बनाया गया था। लेकिन उस कानून के खिलाफ लोगों ने रीट कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने में जाकर रीट कर दिया और सुप्रीम कोर्ट में रीट करने के बाद रिजल्ट हमारे पक्ष में नहीं आया। पूरे भारत में 2 अप्रैल को भारत बंद कर दिया, भारत बंद को लेकर के पूरे देश में हमारे अनुसूचित जात जनजाति के लोग, महिलाएं शांतिपूर्ण ढंग से वो अपना आंदोलन कर रहे थे। लेकिन उस आंदोलन के दौरान कुछ अराजक तत्व जो लोग आरक्षण और संविधान और अपने हक के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे थे, अपने कानून के लिए लड़ाई लड़ रहे थे कि उस कानून को पुनः लागू कराया जाए और उस कानून के खिलाफ शांतिपूर्ण ढंग से हमारे अनुसूचित जात जनजाति के लोग जो आंदोलन कर रहे थे उस आंदोलन में अराजक तत्वों ने दिमाग को डाइवर्ट कराने के लिए, दिमाग को हटाने के लिए अराजक तत्वों ने हमारे अनुसूचित जात जनजाति पर खूनी क्रांति करा दी। तमाम हमारा अनुसूचित जात शहीद हो और अनुसूचित जात शहीद होने के बाद जो हमारा समाज अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहा था उन्हीं के खिलाफ घर में छापा डाल डाल करके फर्जी तरीके से मुकदमा में फंसा करके जेल में डाल करके उस हमारे अनुसूचित जात को लोग बर्बाद करना चाहते हैं। मैं तो कहना चाहती हूँ भाइयों बहनों कि हम कहाँ जाएं, हम किससे जाएं अपनी बात कहने के लिए, हमको न्याय कौन देगा, हम लड़ाई किससे लड़े, हम सड़क पर उतरेंगे तो भी हमको नहीं बख्शा जा रहा है, हम कहीं और जाते हैं हमको न्याय नहीं मिल रहा है, हम सांसद हैं लेकिन सांसद होने के बावजूद हमको भारत का सांसद नहीं कहा जाता, हमको दलित सांसद कहा जाता। आज भारत में राष्ट्रपति है, आज भारत के राष्ट्रपति को भारत के राष्ट्रपति नहीं कहा जाता, उनको भी दलित राष्ट्रपति कहा जाता और दलित राष्ट्रपति के नाम से संबोधित किया जाता है। यह हमारे अनुसूचित जाति का अपमान है, यह हमारे अनुसूचित जाति के साथ अन्याय है, यह संविधान का उल्लंघन है। इसलिए मैं कहना चाहती हूं भाइयों बहनों कि जो घटना हुआ है और जिसके कारण हुआ है
अगर वो व्यक्ति अनुसूचित जाति का विरोधी, जनजाति का विरोधी, बहुजन समाज का विरोधी, अगर वो रीट पिटीशन नहीं किया होता तो हमारे दलित समाज को सड़कों पे उतरने की जरूरत नहीं पड़ती। और आज जरूरत पड़ी सड़कों पर उतरने का, और जो हमारे भाई शहीद हुए हैं आज उनके खिलाफ मुकदमे लिखे जा रहे हैं, आज उनको जेल के सलाखों के पीछे भेजने की जो भेजा जा रहा है, अगर इस जो अन्याय हमारे समाज के साथ हो रहा है उसका अगर कोई जिम्मेदार है, कोई जिम्मेदार है तो रीट पटेशन करने वाला वो बेईमान है। अगर वो नहीं चाहता तो हमारे समाज के साथ ऐसी स्थिति में उनको आने की जरूरत नहीं पड़ती। और मैं तो कहती हूं कि जो सरकार की क्षति हुई है, जो दलित समाज की क्षति हुई है, जो बहुजन समाज की क्षति हुई है, और क्षति करने वाला व्यक्ति, कानून के खिलाफ जाने वाला व्यक्ति, उसके खिलाफ रासुका का मुकदमा लगना चाहिए, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए, जिसे किसी की हिम्मत ना जुटा पाए कि बहुजन समाज के ऊपर कभी आंख उठा करके उस कानून के साथ खिलवाड़ कर सके। इसलिए मैं मांग करती हूँ सरकार से, और मैं ये भी सरकार से मांग करती हूँ कि लोकसभा में इस मैं मांग करती हूँ लोकसभा में कि इसके लिए लोकसभा में इसके लिए पुनः लोकसभा में चर्चा कराकर और पुनः कानून बनाया जाए, और कानून बना करके उस कानून को लागू करा दिया जाए जिसे पूरे देश का बहुजन सीना तान करके चल सके। और जब तक हमारे समाज के साथ में व्यक्ति खड़ा नहीं होगा तब तक हम क्या मानेंगे, हमको करना चाहिए। और इसके लिए मैं सरकार से कहूंगी और लोकसभा में मैं चर्चा की मांग भी करूंगी कि पुनः लोकसभा में चर्चा कराई जाए और इसके लिए कानून बनाई जाए। यह मैं सरकार से मांग करती हूँ। भाइयों बहनों, हमारे देश में जो हमारे अनुसूचित जात, हमारी जनजात और महिलाओं के साथ जो आज शोषण हो रहा है, आप लोग टीवी, रेडियो, अखबार के माध्यम से पढ़ने को, सुनने को, देखने को मिलता होगा कि कभी पेट्रोल डाल करके हमारे अनुसूचित जाति की बेटी को जिंदा जलाया जा रहा है, महिला 60 साल की महिला को, अनुसूचित जाति के महिला को पेट्रोल डाल करके चलाया जा रहा है, पांव छू जाने के कारण पीट पीट करके हमारे भाई की हत्या की जा रही है, खुलेआम शोषण हो रहा है। यही नहीं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भारत के संविधान निर्माता हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी यदि नहीं होते तो भारत देश आजाद नहीं होता, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं होते तो भारत का संविधान नहीं होता। आज हम आप लोग कहां होते, आज हमारा देश कहां होता। और ऐसे महापुरुष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्तियां लगातार तोड़ी जा रही हैं, लगातार मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, और मूर्ति तोड़ने वाले के खिलाफ अगर सख्त कार्रवाई नहीं होगी तो ये हमारे बहुजन समाज का अपमान ही तो है। एक मूर्ति तोड़ गई, दूसरी टूट गई, तीसरी टूट गई, लगातार टूट रही है, क्या कारण है? बाबा साहब जैसे व्यक्ति की मूर्ति तोड़ी जा रही है और उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रहा है, और जो लोग कार्रवाई की मांग करते हैं वही लोग जेल के सलाखों के पीछे। आदमी किसके पास जाएगा, कहां जाएगा? मैं तो कहती हूं और मैं लोकसभा में उठाऊंगी और मैं सरकार से मांग भी करती हूं। हमारे मंत्री जी हैं, आ गए हैं, मैं उनका सम्मान करती हूं, माननीय अर्जुन मेघवाल जी का मैं उनका बहुत सम्मान करती हूं। इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि लोकसभा में हम सभी सांसद मिलकर के और बुलंदियों की आवाज में अपने देश के बहुजन समाज के ऊपर हो रहे अत्याचार के लिए हम लोग लोकसभा में इसके लिए अनुसूचित जाति के लोगों को लामबंद होकर के इस आवाज को उठाया जाए। अगर उठाया नहीं गया तो हमारे बहुजन समाज का हक, इस अधिकार, हमारे माँ बहन बेटियों की इज्जत सम्मान सुरक्षित नहीं रहेगा। इसके लिए हमारी जरूरत है कि हम सभी लोग संगठित होकर एकजुटता के साथ भाईचारा बनाकर हम लोग इस लड़ाई को निश्चित रूप से लोकसभा में उठाएंगे। और भाइयों बहनों, मैंने तो तय कर लिया है, मैंने तो तय कर लिया है। लोग कहते हैं सावित्री जी बोल क्या रही हैं,
सावित्री जी बोल क्या रही हैं? अगर मैं संविधान की रक्षा की बात करूं, अगर मैं आरक्षण की रक्षा की बात करूं, अगर मैं संविधान की लागू कराने की बात करूं, तो हमको लोग कहते हैं सावित्री क्या बोल रही है, सावित्री क्या बोल रही है। अरे मैं तो चुनाव जीतने से पहले मैंने शपथ दिया था, शपथ पत्र दाखिल किया था कि हम जो करेंगे वो सही करेंगे। चुनाव जीत कर क्या है, लोकसभा में मैंने शपथ लिया है कि मैं भारत के संविधान की शपथ लेती हूं और जो भी करूंगी वो भारत के संविधान के हित में करूंगी, भारत के संविधान को लागू कराने के लिए बात करूंगी। और अगर आज हम भारत के संविधान को लागू कराने की मांग कर रहे हैं, भारत के संविधान में दी गई व्यवस्था को, आरक्षण को लागू कराने की बात कर रहे हैं, तो हमको कहा जा रहा है क्या बोल रही हूं, क्या हम अपने हक किस अधिकार की लड़ाई न लड़े, क्या हम अपनी आवाज, हम भूखे हैं, तड़प रहे हैं, अगर हम लोकसभा में उठा रहे हैं तो हमारी आवाज को बंद होनी चाहिए। अगर हम जब तक आवाज को बुलंद नहीं करेंगे, अभी हमारी बहन जी कह रही थी कि जब तक लड़का रोवे ना तब तक दूध पावे ना, हमको जनता ने इसीलिए जीत के भेजा है। पूरे भारत की जनता अनुसूचित जातियों के ऊपर निगाह उठा देख रही है कि कब अनुसूचित जाति के सांसद लोकसभा में आवाज को बुलंद करके हमारे हक के अधिकार की लड़ेंगे। इसलिए भाइयों बहनों, इसलिए भाइयों बहनों, मैं लड़ाई लड़ रही हूं और संविधान आरक्षण को बचाने के लिए, भारत की संविधान आरक्षण को लागू कराने के लिए मुझे जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी हम कुर्बानी के लिए तैयार है, लेकिन भारत संविधान आरक्षण के साथ समझौता नहीं करेंगे। और यही नहीं, अगर संविधान के लिए मुझे आरक्षण के लिए अपने महापुरुषों के लिए मुझे जान की भी बाजी देनी पड़ेगी, मैं उसके लिए भी तैयार हूं, लेकिन मैं समझौता नहीं करूंगी। ये हर तरीके से मैंने तय कर लिया है, अपना घर परिवार को त्याग दिया है। 17 साल हो गया मैं अपने घर नहीं गई हूं और मैं समाज के बीच में निकल गई हूं और गली गलियारों में घूम घूम करके बहुजन समाज के लोगों को जगा करके बहुजन समाज के लिए जो दी गई व्यवस्था संविधान आरक्षण है उसको लागू कराने के लिए मैं निरंतर लड़ाई लड़ती रहूंगी, चाहे वो सदन हो, चाहे वो सड़क हो। और आप लोग यूट्यूब खोल करके देख लीजिएगा, मैं ऐसे नहीं कि मैं यही बोल रही हूँ, जो चीज मैं यहाँ बोल रही हूँ वो चीज मैं लोकसभा में बोल चुकी हूँ। 2014 में गई हूँ, 2014 में बोला है, 15 में बोला है, 16 में बोला है, 17 में बोला है, लगातार मैंने बोला है और मैं बोलती रहूंगी। जब तक हमारे अधिकार का मांग पूरा नहीं होगा तब तक मैं निरंतर लड़ाई लड़ती रहूंगी, लगातार संघर्ष करती रहूंगी। अगर मुझे पैदल यात्रा करना पड़ा तो पूरे भारत में घूम करके पैदल मार्च करके बहुजन समाज को जगा करके अपने कड़े आंदोलन, जो बाबा साहब ने कहा था कि हमारे कारवा को अगर आगे न ले जा पाना तो पीछे भी जाने मत देना, इसके लिए हम लोग तैयार हैं। क्या आप लोग भी तैयार हैं? क्या आप लोग तैयार हैं? अगर आप लोग तैयार हैं तो हमने कमर कस ली है, मैंने कमर कस ली है, भले ही मुझे चुनाव लड़ना पड़े या ना लड़ना पड़े मुझे इसकी भी परवाह नहीं है। सांसद विधायक बनना कोई बड़ी बात नहीं है, टिकट मिलता है, चुनाव जीत जाते हैं, अपने बच्चे परिवार की चिंता करते हैं। लेकिन जिन महापुरुष ने कहा था कि पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, पढ़ लिख करके जो लोग आगे बढ़े, जो लोग आरक्षण का लाभ उठाए, जो लोग सांसद विधायक बने, पदों पे पहुंच गए, आईएएस बने, डीपीएस बने, डॉक्टर बने, मास्टर बने, जो लोग आगे बढ़े वही लोग इस कारवा को नहीं बना रहे हैं। इसलिए बाबा साहब ने कहा था कि पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। इसलिए भाइयों बहनों, मैं अनुरोध करना चाहती हूँ इस कारवा को आगे बढ़ाने के लिए चाहे जिन परिस्थितियों का सामना करना पड़े हम सभी लोगों को तैयार रहना चाहिए। मैं तो पूरी तरीके से कमर कस ली हूँ और आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि अपने संविधान आरक्षण के लिए क्या आप लोग भी तैयार हैं? क्या आप लोग तैयार हैं? इसके लिए आप सबका आभार व्यक्त करते हुए, चूंकि हमारे महामंत्री जी पीछे खड़े हैं, मैं जो कुछ ज्यादा बोल गई, भाइयों बहनों मैं आप लोगों से, मैंने ये भी तय किया है एक मिनट, जो मेरे शरीर पर आप लोग कपड़ा देख रहे हैं
बुद्ध जी का कपड़ा है, गौतम बुद्ध जी का रंग है और गौतम बुद्ध जी का ही भारत है। गौतम बुद्ध जी का भारत था, गौतम बुद्ध जी का भारत है और गौतम बुद्ध जी का भारत रहना चाहिए, जिसके लिए चार जो करना पड़ेगा। हमारे महापुरुषों ने लड़ाई लड़ी थी तब भारत बचा था, आज भी भारत रहे था है रहे, इसके लिए हम सबको संघर्ष करना होगा। भाइयों बहनों, और मैं कहना चाहती हूँ कि अब ज्यादा समय नहीं लेना चाहती, मैं कहना चाहती हूँ कि वक्त कहता है कि थोड़ा बदल जाइए, वक्त कहता है कि थोड़ा बदल जाइए, अभी कुछ नहीं हुआ तो संभल जाइए, घर बना करके जिसको मैंने दिया आज वही कहता है घर से निकल जाइए। सब कुछ हमारे बाबा ने दिया, सब कुछ बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दिया है और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे बाप थे और बाप की विरासत हमको मिल रही है और उस विरासत को बचाने की जिम्मेदारी हमारी होगी, इसलिए हमको आपको संगति दो करके हमको आपको लड़ाई लड़ना हो। मैं कहना चाहती हूँ भाइयों बहनों कि दुनिया की चीजें ठोकर लगने से टूट जाती हैं, दुनिया की चीजें ठोकर लगने से टूट जाती है, लेकिन कामयाबी ही एक ऐसी चीज होती है जो ठोकर लगने से ही मिलती है। हमको डरा रहे हैं सावित्री तुमको क्या होगा, तुम्हारा क्या होगा, अरे हमारा क्या होगा, संविधान सुरक्षित रहा, आरक्षण सुरक्षित रहा तो सावित्री बाई फूले को चुनाव जीतने से कोई रोक नहीं सकता। मैं बहुजन समाज की बेटी हूँ, मैं दलित की बेटी हूँ, इसलिए मुझे कोई नहीं रोक सकता। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ भाइयों बहनों, मैं आप सबका सहयोग चाहती हूँ, आप सबका आशीर्वाद चाहती हूँ और पूरे देश में इस आंदोलन को लेकर जाऊंगी। मैं कहना चाहती हूँ कि तन बिक रहा है, तन बिक रहा है, वतन बिक रहा है, आज समाज के लोगों बुरा न मानो तो खोल कर कह दूं केवल हमारा समाज इकट्ठा होकर लड़ाई नहीं लड़ता, इसलिए हमारे आपके तन का कफन बिक रहा है, इसलिए हमारे आपके तन का कफन बिक रहा है। मैं कहना चाहती हूँ कि दुनिया की मुझे परवाह नहीं, दुनिया की मुझे परवाह नहीं, जीती हूँ मैं शान से, जिंदगी बदल गई हमारी भारत के संविधान से, अगर बाबा साहब ना होते आज हम यहाँ नहीं होते। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, अपने महामंत्री जी का, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और आए हुए हमारे सभी मंत्री और सभी सांसद सभी अतिथियों का आप सबका आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।